दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेक आईडी और टेम्परेरी आईडी इंस्टाग्राम का कैसे बनाते हैं। तो फेक आईडी टेम्परेरी आईडी बनाने के लिए आपको मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, और इस वीडियो में बताया हूँ प्रोसेस कैसे बनाते हैं, और फुल वीडियो को वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने बताया है, कहाँ से कैसे बनाना है। तो आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पर देखिए, आपको पहले इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो प्रोफाइल लोगों पर क्लिक कर देना है। लोगों पर क्लिक करना है आपको। लोगों पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, सिगमेन आईडी है, सिक्की अडरनो नाम से एक आईडी है। तो आपको फेक आईडी बनाना है। यहाँ पर देखिए मेरा लोगो है, जो मेरा कि मेन अकाउंट है गाइस। यहाँ पर देखिए मेन अकाउंट को आपको क्या करना है, देखिए आपको फेक अकाउंट बनाना है, टेम्परेरी अकाउंट इंस्टाग्राम पर बनाना है, क्योंकि आप वहीं बनाएंगे तभी इंस्टाग्राम पर फॉलोअर फ्री में बढ़ा सकते हैं हमारे ट्रिक से। तो आपको अकाउंट बनाने के लिए आपको फेक अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट, तो यहाँ पर टेम्परेरी अकाउंट फेक अकाउंट एक ही होता है। जैसे कि मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, तो इसके अलावा एक मैंने एक कभी और आईडी बना लिया, तो उसको कहते हैं फेक अकाउंट और टेम्परेरी अकाउंट। तो इसमें बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे यहाँ पर एरो का ऑप्शन दे रहा है जो नीचे का, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो गलती से मेरा नाम यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक मैंने ऑलरेडी बनाया है, दिखाया यहाँ पर देखिए सिक्की 9841 एक जो है वो आईडी एवं प्रेडी खुद एक बना है। एक मैं और बना के दिखाता हूँ आपको लाइव के साथ, लाइव प्रूफ के साथ। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐड न्यू, मतलब ऐड अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा प्लस वाले आइकन पर। क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पर तो आपको यहाँ पर देखिए आपको लिखेगा क्रिएट न्यू अकाउंट। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं एक और अकाउंट बना के दिखाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए यूजर नेम का ऑप्शन मिलेगा, ये इसमें आपको एक यूजर नेम लिख लेना है जो भी चाहिएगा। तो मैं अपना एक यूजर नेम लिख लेता हूँ पटेल, मतलब कुछ भी लिख लेता हूँ मैं, जैसे कि आर के लिख देता हूँ, आर के किंग लिख देता हूँ, आर के किंग KING। उसके बाद आर के किंग मैंने लिखा, यहाँ पर देखिए आर के किंग नाम से बहुत सा आ रहा है नीचे, तो मैं जी मेरे को जो भी चाहिए वो क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे को आर के किंग मतलब जो कोई भी चाहिए, तो मैं कोई भी क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, मतलब नाम रखते, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक। यहाँ पर देखिए मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थ्री मतलब एडिट करके मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ आर के किंग मैंने सर लिखा था, लेकिन दूसरा कुछ आ गया। तो आपको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, आपको जो नाम चाहिए वही चाहिए, तो आपको इसको कट कर देना है, आपको वही वाला नाम लिख लेना है। जैसे कि मैं किंग नाम से ले लेता हूँ एक किंग, मैंने नया तो नहीं लिया, रेड हो गया, तो आपको किंग 1 लिख देना है, किंग 2 लिख देना है। ऐसे लिख देंगे तो आपका ले लेगा। किंग 1 भी नहीं लिया, फिर इसके बाद ए लगा देता हूँ, ये भी नहीं लिया, फिर यहाँ पर फिर एक 1 लगा देता हूँ, एक बार फिर भी नहीं लिया। यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर देखिए देखिए मैंने एक किंग 1 ए, मतलब आपको जो भी ग्रीन टिका है वो वाला ले लेना है नाम। तो मैंने देखिए किंग 1 ए 15 ले लिया है, तो इसको इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट कर देने के बाद आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, नहीं तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एक पासपोर्ट डालना है, तो मैं अपना पासपोर्ट एक डाल लेता हूँ कोई भी। देखिए मैंने एक पासपोर्ट डाल दिया, पासपोर्ट डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। पासपोर्ट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाल लीजिएगा, पासपोर्ट वहीं डालिएगा जो याद रहे आपको, आपको बहुत काम आने वाला है पासपोर्ट। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंप्लीट साइन इन अकाउंट, मतलब साइन इन कंप्लीट पे क्लिक करना है। अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से कर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए ऐड मोबाइल नंबर से कर लीजिएगा, नहीं तो आपको कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगा साइन इन, मतलब यानी कि फेक आईडी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही फेक आईडी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा लोडिंग ले रहा है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है मेरा आईडी। तो मैं वेट कर लेता हूँ, आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए फेसबुक से कनेक्ट करने को बोल रहा है, तो आप वो मत करिएगा, स्किप कर दीजिएगा, स्किप कर देंगे। यहाँ पर फिर से स्किप पर क्लिक करके स्किप कर देंगे, स्किप पर क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको यानी कि आपको बहुत लोगों को 10 या 15 लोग को फॉलो कर लेना है। यहाँ पर देखिए ब्लू टिक वाले का मैं 1 2 3 मतलब ऐसे करके आपको 10 लोग को फॉलो कर देना है, 10 15 लोग को, नहीं तो आईडी बंद हो जाएगा।
और मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, मैंने 4-5 लोगों को कर लिया, मैंने बाद में कर लूँगा आपको। यहाँ पर करने के बाद 10-12 लोग को फॉलो, यहाँ पर देखिए टिक पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले एरो पर क्लिक करेंगे एरो पर, तो यहाँ पर देखिए आईडी मेरा बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पर मैं अपने यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए यही यूजर आईडी बना है, यही फेक आईडी ऐसे ही बनाते हैं, और बनाना का ट्रिक मैंने बताया है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं बता देता हूँ कि आप फ्री में इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं मेरे अकाउंट पे, तो आपको यह आईडी बहुत ज़रूरी है फेक अकाउंट बनाना। तो मैं आपने वीडियो में बताया हूँ कैसे इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाना है, तो आप मेरे वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में जाकर क्या करते हैं उसको अबाउट सेक्शन में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर कैसे फॉलोअर बढ़ाना है। तो चलते हैं, बाय बाय।